हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन पैर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन टैग? व्हाट इज क्वेश्चन टैग? व्हाट इज क्वेश्चन टैग? सो टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीज इज स्ट्रांग इनफ। इट मीन्स इन हिंदी वी कैन से फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी, असफलता मुझे कभी ओवरटेक नहीं कर सकती, असफलता मुझसे कभी आगे नहीं जा सकती इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग। अगर मेरा सफल होने का जो दृढ़ संकल्प है वो क्या है? मजबूत है। अगर हमारा सफल होने का इरादा मजबूत है तो असफलता की औकात नहीं जो मुझको पार करके दिखा दे। लेकिन असफलता के बारे में समझिएगा, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, जो दृढ़ संकल्प हो, फ्रेम डिटर्मिनेशन हो, स्ट्रांग ही नहीं, स्ट्रांग इनफ होना चाहिए, पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए, मजबूती काम नहीं आएगी। तो आज हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन टैग के बारे में, क्वेश्चन टैग के बारे में। लेकिन एक बात पहले, आज इंग्लिश की मैं पहली वीडियो आपके सामने है, तो एक चीज आप लोग ये समझ लीजिएगा, ये जो इंग्लिश की क्लास है इसमें फर्स्ट ईयर इंटर भी अगर इंक्लूड करना चाहेगा तो अभी चल सकता है, लेकिन स्पेशल जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, कोई भी आपका एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, इस बात की प्रॉमिस करता हूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तब आप बोलिएगा, लेकिन पहले आप जो भी चीजें आपको बताई जाए उसको आप अच्छे से समझिए, बस ये मेरा प्रॉमिस है। तो पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। तो क्वेश्चन टैग इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी इंग्लिश एग्जाम के लिए, कोई भी इंग्लिश का एग्जाम होगा, किसी भी पेपर के लिए, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जो भी है, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तो फिर ये मत समझना कि डिफिकल्ट है। ऐसा बताएंगे, ऐसा समझाने का प्रयास करेंगे तो आप ही ये समझ जाओगे, आपके मन में आ जाएगा कि इंग्लिश बहुत ही इजी है। मैं रियल में ये बात कह रहा हूं, ये आप समझ लीजिएगा। मैंने देखा है अपनी लाइफ में बहुत सारे बच्चों ने कहा, सर मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं भूल जाओ, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आप बस जितना कहा जाए उतना वर्क करके दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, इंग्लिश आएगी। आएगी कैसे? नहीं आएगी, चलिए देखते हैं। तो लिखा क्या है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं, और 1 or 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का पेपर में इंग्लिश के आता ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आएगा नहीं, एक कंफर्म मान लीजिए। और मैं वादा करता हूं कि इसको आप पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है प्रश्नों को जोड़ना, प्रश्नों को जोड़ना। अब ये प्रश्नों को जोड़ना क्या है, क्वेश्चन टैग होता कैसे है, तो पहले इस बात को समझिएगा, पहले इस पर नजरें ना जाएं, पहले मेरी बात को समझना। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है, क्वेश्चन टैग में एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा, उसके स्टेप 2 चलेंगे, 2 स्टेप होंगे। यानी जो पहला स्टेप यानी एक सेंटेंस होगा आपके सामने, उसमें स्टेप कितने होंगे? 2 स्टेप, नंबर फर्स्ट एंड स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, आएगा मन में क्या है? अरे है वही जो बताने वाला हूं। स्टेप नंबर फर्स्ट का मतलब है आपका वाक्य या तो होगा assertive और या तो आपका वाक्य होगा imperative। क्या होगा? imperative होगा, यानी पहला भाग assertive या imperative होगा और दूसरा भाग आपका interrogative होगा, पहला भाग assertive या imperative होगा और दूसरा भाग interrogative होगा, और जो interrogative होगा उसी भाग को हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्या बोलते हैं?
क्वेश्चन टैग यानी जो फर्स्ट पार्ट होगा वो एसर्टिव या इंपेरेटिव होगा, तो एसर्टिव इंपेरेटिव के बारे में तो आपको नॉलेज होगा, आई होप नॉलेज होना चाहिए। एसर्टिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जो सकारात्मक हो, लेकिन समझिएगा एसर्टिव में हाँ नहीं दोनों बातें होती हैं, अफर्मेटिव केवल सकारात्मक होगा उसमें केवल पॉजिटिव थिंकिंग चलेगी। अब आया इंपेरेटिव, तो इंपेरेटिव वाक्यों में क्या होता है, जैसे आदेश ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया सलाह देना, आदेश देना, रिक्वेस्ट करना, मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं सर जी, ढंग से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो ये सभी किसमें आते हैं, इंपेरेटिव में। और ये बात आई इंट्रोगेटिव की, तो ये आपको मालूम है टू टाइप का होता है, यस या नो टाइप, और या तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप जिसको WS टाइप बोलते हैं। फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब बाहर होती है और सेकंड टाइप में पहले प्रश्नवाचक शब्द होता है और उसके बाद में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जुड़ जाता है। ये बातें सब भैया लो लेवल यानी हम लोग पढ़ चुके, टेंस पढ़ चुके, बट टेंस का काम नहीं है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकेंड, तो सेकेंड स्टेप जो होगा वो आपको किसको बताएगा, क्वेश्चन टैग को। अब मन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, आना चाहिए, बिल्कुल आए, क्वेश्चन आ रहा होगा ये क्वेश्चन टैग होता कैसे है, इसका मतलब क्या है, तो समझिएगा कोई भी वाक्य होता है ना, कोई भी सेंटेंस अगर हम आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं, तो उसके लिए 2% 2% का होना मस्ट है, जरूरी है। यानी एक क्या होगा, एक आपका स्पीकर होता है और एक आपका ऑडियंस होता है, एक आपका ऑडियंस होता है यानी एक आपका वक्ता होगा और एक आपका श्रोता होगा। बात को समझिएगा, वक्ता और श्रोता। तो ये स्पीक मतलब क्वेश्चन टैग में होता क्या है, स्पीकर जो होता है, क्योंकि हमेशा किसी भी वाक्य में बोलने का काम कौन करता है, स्पीकर करता है, स्पीकर यानी बोलने का काम स्पीकर करेगा। तो स्पीकर करता क्या है, किसी भी वाक्य को बोलता है, किसी भी वाक्य को बोलता है, लेकिन उसको उस बात में भी संदेह और शक हो जाता है। हम सब भी हैं वैसे ही, कोई भी बात होती है, जैसे हमने कहा भैया स्टडी को हार्ड करिए, पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, मन में आता है चलो आज से पढ़ते हैं, लेकिन फिर आता है यार वो तो बैठा है, बगल वाले को सिलेक्शन नहीं मिला, अरे बगल वाले पर क्यों जाते हो यार, खुद के बारे में सोचो, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां अवश्य रही होंगी जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुका है, इतनी बात जरूर मन में बैठा लो, तुम अपना वर्क करना स्टार्ट करो बस। तो मैं बात कर रहा था वक्ता और श्रोता, तो कोई भी बात कोई भी कभी बोलता है तो उसको उस बात में अगर शक या संदेह हो जाए, तो जब वक्ता को अपनी बात को कहे और शक या संदेह हो जाए तो वो क्या करता है ना, जो सुनने वाला होता है, और संदेह क्यों होता है, क्योंकि सामने वाला कोई खड़ा है, क्योंकि भैया अकेले बाथरूम सिंगर बनना अलग बात है, लेकिन किसी के सामने एक्सप्रेस करना किसी बात को अलग बात है, स्वयं स्टेज पे आके गाना अलग बात है, और बाथरूम सिंगर का क्या है, फिर तो देखो जानवर चराने वाले भी बढ़िया सॉन्ग गाते, समझते होंगे सॉन्ग तो अच्छे से मालूम है। तो मैं बात कर रहा था, तो ये इसको घबराहट क्यों होती है स्पीकर को, इसको संदेह क्यों होता है, क्योंकि उसके सामने श्रोता खड़ा है, उसको पता कहीं ऐसा तो ना कह दे, तो देखिएगा ये क्या करता है, इसको संदेह होता है तो ये ऑडियंस से, श्रोता से उसकी पुष्टि चाहता है कि ये क्या जवाब देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए श्रोता ने कोई वक्ता ने कोई बात कही कहा, क्योंकि लोगों का देखे ना सब लोग ज्यादा एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, बहुत मनोरंजन, तो ज्यादातर कोई भी मनोरंजन, मान लीजिए स्पीकर ने कहा आज बाजा बाजी, आज बाजा बाजी, ध्यान रखना उसने कहा आज बाजा बाजी, श्रोता सामने खड़ा है तो पता है ये बोलता है आज बाजा बाजी, लेकिन एक बार इसको शक आता है कि पता नहीं बाजी की ना बाजी, बाजी की ना बाजी, तो यही उसको जो शक होता है वही बात को वो श्रोता से पुष्टि चाहता है कि आज बजेगा कि नहीं, तो ये बंदा जो भी होगा ये बोलता है हाँ या ना। अब इसका मतलब ये हाँ ना बोले या ना बोले, लेकिन किसी के सामने खड़े होकर के दो बातें कहना उसमें हाँ नहीं, मतलब आपको संदेह होगा ही होगा। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। अब चलते हैं,
अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो बनता कैसे है? तो भैया जी एक बात याद रखना, मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर लिखे दे रहा हूँ लेकिन किसी चीज की जरूरत है नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर मतलब आपको बताया कि क्वेश्चन टैग बनता है इंट्रोगेटिव से, यही तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। मतलब पहले क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी यानी वो नॉट होगा, और क्या होगा उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इस बात को समझना है, लेकिन याद रखना मैंने स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं दिया, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग है भैया, जैसा होगा, क्योंकि अभी नियम आएंगे तब बात को समझोगे, तब मेरी बात आपको समझ में आएगी। अब आते हैं जरूरत किस चीज की है, क्योंकि देखिएगा किसी कहीं भी जाने के लिए, आप कहीं भी जा रहे हैं तो पहले प्रिपरेशन सबसे मस्त है, तैयारी सही होनी चाहिए। तो आइए हम समझते हैं किसकी जरूरत है, और जितना ये आपका लिखा है यही सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा होगा इनको, देखा होगा यूज करते हुए, पोएट्री में देखा होगा, प्रोज में देखा होगा, सप्लीमेंट्री में देखा होगा, या इंग्लिश के अन्य बहुत सारी बुकों में देखा होगा ये लिखे होते हैं, हम लोग बोलते भी हैं, लेकिन आज पता चलेगा ये है क्या। जैसे लिखा है इज नॉट, क्या इज नॉट, और इज नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, इज इट, क्या इज इट, एम नॉट जो होता है यही एक अपवाद है, एम नॉट है, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आर एंट, क्या आर एंट, आर नॉट है तो उसका क्या होगा, आर एंट ही होगा, हैज नॉट है, हैज इट, ध्यान रखना फिर से समझ लेना, शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग कहां होगा, वही शक की जगह, किस बंदे को इस बात में शक है, इस बात में शक है। मान लीजिए आप अपना कहीं पे कोई, ज्यादातर इंसान के अंदर दो ही बातें होती, पढ़ाई करें शादी करें, हो जाएगा शादी हो जाए, मतलब समझिएगा, लेकिन संदेह हर जगह बना होता है, उसी संदेह को मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये सब संदेह है, समझ रहे हो ना। तो हैड नॉट हो गया, हैडन्ट, विल नॉट हुआ, वांट, शैल नॉट, शॉन्ट, डू नॉट, डोंट, इसी तरीके से जितने ये लिखे हैं ये सभी इसके क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, इनका यूज आएगा। अब समझ जाओगे आप लोग, इनको केवल पढ़ना है, एक बार सही से नजरों से देख लीजिए, मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं पड़ेगी, केवल आप देखिए वीडियो, और लास्ट में देखिए मैं स्टार पॉइंट में एक बात और डिफाइन किया है कि अगर यस या यस है तो डजेंट याद रखना, क्योंकि भैया का होता है ना कि जब हम अपने बेसिक लेवल में होते, जब हम पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा ध्यान नहीं देते, बाद में अपना एम नजर आता है, जब मुझे लगता है कि सब ने मेरा साथ छोड़ दिया है, कोई किसी का साथी नहीं होता। अगर आपका कोई भी साथी है ना, वी शुड पास अवर टाइम ओनली विद बुक्स, किताबों के साथ समय बिताओ, यही आपका सच्चा साथी है, और सब छोड़ के जाने वाले हैं, बात समझ लेना। तो यहाँ पे क्या होता है, टेंस नहीं पढ़े तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूं, अगर एस या यस मिल जाए तो आपको पता होगा ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यस या यस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, बस इतना समझ लेना। तो यस या यस मिले तो डजेंट याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो डोंट याद रखना, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिले तो डिडंट याद रखना। ओके, अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इसके बाद चलते हैं हम आगे, आपको इसके बारे में जितने भी इसके रूल है उसको बताते हैं। चलिए अब इसके बाद में आगे देखते हैं, जो रूल है उनको समझिएगा अच्छे से, पहले पॉइंट को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। लिखा है यदि वाक्य का सब्जेक्ट नाउन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा, बात को समझना। अगर वाक्य का सब्जेक्ट कोई क्या है, नाउन है, नाउन समझते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, प्लेस कोई हो गया, थिंग वस्तुएं हो गई, किसी का नाम हो गया, ये सभी क्या है, नाउन। तो हमेशा जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो उस नाउन का क्या होगा, प्रोनाउन। अब बात समझ लीजिएगा, प्रोनाउन कौन कौन से कैसे होंगे, जैसे किसी का नाम लिखा, जैसे सीता बोला, तो सीता बोला तो वो लड़की है ना, तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, सी हो जाएगा,
लड़का किसी का नाम लिया जैसे मोहन कह दिया तो उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। या हमने कहा लड़के बोल दिया तो लड़के बोले मतलब बहुत सारे हो गए, अगर बहुत सारे हुए तो क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दे। लड़कियां भी बोला तो क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे। क्लियर हुआ ना? अब आपके मन में सवाल होगा, लेकिन एक बात और समझ लेना। आपने एक बात सुनी होगी जैसे कि इट का, जैसे इट होता है तो इट का यूज क्या होता है कि अगर नॉन लिविंग बींग है तो किसका प्रयोग करेंगे, इट का। लेकिन समझना, लिविंग बींग के साथ भी इट लगता है, इस लॉजिक को समझ लीजिएगा, इस बात को समझना कि इट कहाँ होगा। एक बात समझना, जब जेंडर क्लियर ना हो, क्या जेंडर क्लियर ना हो, तब हम करेंगे क्या, तब हम ही सी ना लगा करके केवल किसका प्रयोग करते हैं, इट का। जैसे आपने देखा होगा हमेशा, मैं थोड़ा आपको इस लहजे से बोलना चाहिए, जैसे आपने बोला होगा मैं ऐसी बात का प्रयोग करता जो आपके जीवन में ऐसा गुजरा हो, पास हुआ हो। जैसे आप कहते हो वो देखो पक्षी जा रहे हैं, वो पक्षी जा रहे हैं, अरे भाई पक्षी बोला मतलब फीमेल जेंडर लाया, लेकिन मास्कुलिन जेंडर कहाँ गया, पक्षा, फॉर एग्जाम्पल पक्षा कहाँ गया, नहीं मिला। बंदरिया बोला है, हम लोग ऐसे कर, ओ बंदर, देखो बंदर आया, बंदर आया, अरे बंदर आया बट बंदरिया तो नहीं बोला, बोलते लेकिन बंदर आया जल्दी से बोलेंगे, देखो मदारी बंदर लाया लेकिन बंदरिया की बात नहीं की। ये जैसे कहा कुत्ते, कुत्ता बोल दिया, अरे आज भैया मुझे दौड़ा, मैं रास्ते में जा रहा था, और सच में ऐसा होता है, मैं बहुत डरता हूँ कुत्ते से भाई, बहुत डरता हूँ, तो बोला कुत्ते भौंक रहे थे, मैं रास्ते में गया कुत्ते, कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, अरे भाई तुमको क्लियर है, पता है कि कुत्ते थे, जेंडर देखने गए थे क्या, नहीं, वो कुत्ते भी हो सकते हैं, कुतिया भी हो सकती है, तो वो जेंडर क्लियर नहीं है। या हम और कहें जैसे बच्चा हुआ, बेबी, जो बाद में बच्चा चाइल्ड होता है, जो तुरंत का पैदा होता है, या जिस बच्चे के बारे में हम डिफाइन ना कर सकें, लड़की है या लड़का, जो चाइल्ड होता बच्चा, उसको कभी ही असी नहीं बोला जाता, क्योंकि होता वो लिविंग बींग है लेकिन करते किसका है, इनका। तो इस बात को दिमाग में बैठा लेना। चींटी की लाइन जा रही है, चींटा, भौरा देखा है, बोलेंगे भौरा, भौरा बोलते हैं ना वास्तु जिसको बोलते हैं, भौरी कहाँ गई, कहाँ गई भौरी, रही होगी ना। तो भैया तितली बोला है, तितिला नहीं सुना, तो ये जेंडर क्लियर ना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, एक का। क्लियर, चलिए आगे। अब पहला नियम आपका क्या है, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में होगा। लिसन टू मी, फर्स्ट टाइम, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग इसमें होगा निगेटिव में, यानी प्रश्न अगर कैसा है, सकारात्मक है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा किसमें होगा, निगेटिव में होगा। किसमें, निगेटिव में। जरा सेंटेंस हम देखते हैं, पहला लिखा डीपीएस रवि ठाकुर प्लेज क्रिकेट, डीपीएस रवि ठाकुर प्लेज यानी खेलता है, क्रिकेट यानी क्या, क्रिकेट यानी क्या, क्रिकेट यानी डीपीएस रवि ठाकुर मैच खेलता है। तो जरा इस सेंटेंस में देख लो ये पॉजिटिव है कि नहीं, है ना, पॉजिटिव है, मतलब इसमें नॉट तो नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नॉट नहीं लगा पॉजिटिव है तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो निगेटिव में बनेगा। क्लियर ना? तो देखिए वहां पेपर में कैसे आएगा, वो ऑप्शन दिए होंगे आपको, डॉट करने के बाद चार ऑप्शन आपके पास होंगे, नो एरर भी होगा, सॉरी नो एरर नहीं, मतलब चार ऑप्शन होंगे, कौन सा उसमें फिल करना वो आपको डिफाइन करना, तो रूल आपको पता होंगे, तो सब इजी है यार, पेपर में कुछ नहीं है। तो डीपीएस रवि ठाकुर प्लेस क्रिकेट पॉजिटिव है निगेटिव बनेगा, तो पहली बात को समझ लीजिएगा, मैंने बोला है स्ट्रक्चर को आपको बताया था, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब नॉट और उसके बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, लेकिन सब्जेक्ट का वही प्रोनाउन बोला है। तो चलिए देखते हैं, पहले डीपीएस रवि ठाकुर आया तो प्लेज लिखा, तो ये सारियस फॉर्म में लिखी नहीं, मिली ना, एस आर एस फॉर्म मिली तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव क्या होगा, और यस या यस मिले तो क्या बोला था, निगेटिव में क्या निकाल के लाइएगा, डजंट, क्या बोला था, डजंट। तो देखो हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, नॉट वाला भी काम हो गया, फिर क्या आया, सब्जेक्ट। तो देखो जरा सब्जेक्ट इसमें कौन है, डीपीएस रवि ठाकुर लिख दे, अरे नहीं लिखना नहीं भैया, क्योंकि बताया है नाउन का क्या होगा, प्रोनाउन, तो डीपीएस रवि ठाकुर कोई लड़का है ना, लड़का है, अरे मेरे भाई साहब भी हैं, लड़का है, तो उसका लड़के के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ही का, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यानी डीपीएस रवि ठाकुर प्लेस क्रिकेट, डजंट ही। क्लियर हुआ,
क्लियर हुआ ना। लेकिन एक बात जरूर यहां से चेक कर लेना, क्योंकि हमने बताया है नियम यहां नीचे लिखा है, क्वेश्चन टैग में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होती है। यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना इस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी भाई साहब। इसको देख के मत लगाइएगा, ये बात को एकदम बिल्कुल माइंड में भर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो ही के अकॉर्डिंग डच सही है ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि ही सी इट नेम प्लेस हो गया, एवरीबडी एवरीवन समबडी समवन नोबडी नोवन नोवन नन, ये सभी क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है डज ही लगता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल। अगला देखें, द डॉग बॉक्स एट द स्टेंजर, कुत्ते जो कुत्ता है वो जनेलियों पर क्या होता है भौंकता है। तो इसको भी देख लेते हैं, पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब और नॉट, देखो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव में बनेगा, तो बॉक्स लगा एसआरएस फॉर्म लगेगा, एसआरएस फॉर्म है तो क्या होगा डजंट, डजंट हो गया। फिर क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब नॉट हो गया, फिर सब्जेक्ट आएगा, ध्यान से समझिएगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का क्या बताया है प्रोनाउन, प्रोनाउन तो यहां डॉग लिखा है तो डॉग का क्या होगा, डॉग का क्या होगा कुत्ता बोला है। लेकिन याद रखना कुत्ते कुतिया में इसमें फर्क करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डिफरेंस निकालना मतलब उसके बारे में थिंकिंग करना प्रॉब्लम होता है। तो जब प्रॉब्लम हो तो ना ही बोलेंगे ना सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इट बोलेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अर्थ समझ लेना इसका, इसका मतलब है डीपीएस रवि ठाकुर प्लेस क्रिकेट, डीपीएस रवि ठाकुर मैच खेलता है, डजंट ही खेलता है कि नहीं, ये सवाल उठा सब हुआ संदेह हुआ। दूसरा उसी तरीके है कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है ना भौंकता है ना, मतलब सकिया संदेह हुआ कि नहीं हुआ भैया। अगला लिखा है आई एम राइट, क्या मैं सही हूं, यस यू आर राइट, बिल्कुल सही थिंकिंग कर रहे हैं। अब यहां पे समझते हैं पॉजिटिव है ना, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा, क्लियर। एम मिला, क्या मिला हेल्पिंग वर्ब है सेक्रेटरी, एम है ना तो एम का शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था, एम का शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था आरेंट, क्या आरेंट तो क्या होगा आरेंट हो जाएगा, आरेंट होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट हो गया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है आई, दिमाग समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं नाउन का प्रोनाउन हमेशा होगा, ये मत समझना फिर प्रोनाउन का नाउन हो जाएगा, नहीं नाउन का हमेशा प्रोनाउन होगा, अगर प्रोनाउन है तो वही लिख देंगे क्या होगा आई। अगला देखते हैं, तो इस नियम को जरूर याद रखना, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला लिखा यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, कैसा पॉजिटिव होगा, तो देखो यहां लिखा है इट वॉज नॉट गुड, इट वॉज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं था जो तुमने मेरे साथ किया है, प्रॉब्लम कुछ भी थी ना, तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो भाई। आगे देखते हैं, तो इट वॉज नॉट गुड निगेटिव है ना तो पॉजिटिव में बनेगा, पॉजिटिव थिंकिंग करिएगा और पॉजिटिव थिंकिंग करिए बस हो जाएगा काम। तो देखो निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या मिला वाज, क्या लगा लेते हैं वाज लगा लिया, क्लियर। अब नॉट देखते हैं लगेगा कि नहीं, नहीं क्यों, क्योंकि नॉट तो पहले से लगा है, निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो चलिए आगे सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट कौन मिला इट मिला, तो इट का प्रोनाउन, तो इट खुद अपने आप में ही प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही होगा, क्या होगा इट हो जाएगा, क्लियर। द बॉयज डोंट वॉच टीवी, बच्चे जो है ना वो टीवी नहीं देखते, यू शुड नॉट ऑल्सो, यू शुड नॉट ऑल्सो बिकॉज यू हैव टू सक्सीड, ओके। तो यहां पे लिखा द बॉयज डोंट वॉच टीवी, निगेटिव है ना तो निगेटिव है तो क्या बनेगा पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, तो डोंट लिखा है ना भैया, डोंट लिखा है तो डोंट लिखा है, तो नॉट से तो नॉट का कोई मतलब नहीं, केवल क्या बचा डू बचा, तो क्या हो जाएगा डू ही होगा, डू हो गया, उसके बाद में नॉट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉट पहले से है सब्जेक्ट, क्योंकि एक पिंजड़े में दो शेर नहीं रह सकते मालूम है ना, संघर्ष हो जाएगा भाई साहब। फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन मिला द बॉयज, लड़के, कौन लड़के मिला, तो भैया लड़कों का प्रोनाउन क्या बोला था, बहुत सारे लोग हैं तो क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, ओके। चलिए इसका स्क्रीन शॉट आप लोग ले लीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग आगे फिर से चलिए अगला रूल देखते हैं। लिखा है यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में नोबडी नोवन एनीबडी एनीवन समबडी समवन नन एवरीबडी एडीसी
आ जाए तो क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट दे होगा कि क्या होगा दे, यानी कौन कौन आ जाए, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नन, ये सभी आएंगे तो हमेशा वाक्य का सब्जेक्ट यानी क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट क्या होगा दे होगा। क्लियर ना? ध्यान से एग्जांपल बिल्कुल अटेंशन कर दीजिए, अपने आप को एकाग्रचित हो जाइए, सेंटेंस को समझना इसमें है कुछ ना कुछ भाई। अगला देखते हैं तो एग्जांपल देखिए, लिखा समवन हैज स्टोलन माय हार्ट, किसी ने मेरा दिल चुरा लिया है। वाह वाह, किसी ने मेरा दिल चुरा लिया है। बट ध्यान रखना मत अभी चोरी होने देना भाई साहब, अभी नहीं। समवन हैज स्टोलन माय हार्ट, किसी ने मेरा दिल चुरा लिया। तो देखते हैं भाई अब इसमें देखो समवन आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए देखते पहले वाक्य को वैसे ही थिंकिंग करिए, ये वाक्य देखो पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है। हैज मिला ना, नॉट तो नहीं है, पॉजिटिव है तो निगेटिव में बनेगा क्वेश्चन टैग, किस में, निगेटिव में। तो पहले क्या होगा हेल्पिंग वर्ब नॉट, तो हैज लिखा, हैज का शॉर्ट फॉर्म क्या बताया, हैजेंट बताया है ना। और उसके बाद में सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट क्यों आया, समवन, कौन, समवन आया। तो समवन के लिए बताया है प्रोनाउन आपका क्या होगा, दे होगा। लेकिन समझ लो खुशी मत मनाओ, गलत है, गलत है। क्यों गलत है, मैंने रूल बताया था उसको कौन लर्न करने करेगा, कहा था कि हमेशा आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी क्वेश्चन टैग में ना वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। तो आप बोलोगे सर आपने पहले क्यों नहीं बोला, अरे सर जी पहले बोला है और पहले कहीं गलत नहीं है, पहले वो रूल बिल्कुल फॉलो हो रहा था, अब बात आई है। तो यहाँ हैजेंट लिखा है, दे मिला, दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ हैज हैव में कौन आता है, कौन है, तो यहाँ हैजेंट नहीं होगा भैया जी, क्या होगा, हैवेंट होगा, क्या होगा, हैवेंट हो जाएगा, इतना समझ लीजिएगा। ओके अगला देखते हैं, लिखा नोबडी इज एबल टू डू दिस वर्क, कोई भी इस काम को करने के लिए समर्थ नहीं है, कोई भी इस काम को करने के लिए समर्थ नहीं है। बट आई कैन से दैट आई एम एबल टू डू दिस वर्क, लेकिन मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को करने में समर्थ हूं। लिखा है Nobody is able to do this work. अब देखो sentence affirmative है, चलिए affirmative है तो क्या होगा, negative में बनेगा, is आया, चलो लगाते हैं, is हो गया, हो गया ना। तो देखे negative नहीं है, affirmative है, यानी positive है, तो क्या होगा, is का isn't हो जाएगा, यही तो थिंकिंग हो रही। फिर सब्जेक्ट आया तो nobody के लिए सब्जेक्ट कौन आएगा, दे आएगा, फिर खुशी मनाने लगे, फिर भी गलत, गलत, समझिएगा कहां गलत, गलती समझना सर जी ये गलत है, सही इसका क्या होगा, मैं नीचे लिख रहा हूं, बात को समझो, ये सेंटेंस पॉजिटिव नहीं निगेटिव है, क्योंकि नो बडी लगा है, नो का भी मतलब समझिएगा, नो मींस भी नहीं होता, मैं नो और नॉट के बारे में आपको बताऊंगा कब नो और कब नॉट, पहले इतना तो समझो ये निगेटिव है क्योंकि नो लिखा हुआ है, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, क्लियर, पॉजिटिव होगा तो इज है तो क्या होगा, इज ही होगा, क्लियर ना, पॉजिटिव बनेगा। फिर नॉट नहीं होगा, सब्जेक्ट कौन आया, दे आया, चलिए हो गया, लेकिन फिर भी गलत है, फिर भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको रूल बताया है आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना वो किसके अनुसार लगेगी, क्वेश्चन टैग के प्रोनाउन के अनुसार। तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन कौन है, दे है ना, तो दे के लिए दे प्लूरल है तो क्या होगा, आर होगा। तो मतलब समझ लेना यहां इजेंट दे नहीं होगा, क्या होगा, आर दे होगा, क्या होगा, आर दे होगा और क्वेश्चन मार्क, समझ में आया ना। तो चलिए आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा, आगे हम आपसे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।